5 मिनट में होटल के स्वाद वाली दो बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप सबके साथ आज के इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आगे है ना, आप सबके भी मुंह में पानी, अक्सर जब कभी हम बाहर खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम घर में भी क्या इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो को देखिए, आप एकदम होटल के स्वाद वाली रेसिपी घर पर बना के खा सकते हैं। साथ ही ये जो रेसिपी है ऑलमोस्ट सबको ही बहुत पसंद होती हैं, और जब आप ये रेसिपी घर में बनाकर अपने बच्चों को, पति को खिलाएंगी तो उनके मुंह से एक ही बात आएगी कि बस मन कर रहा है कि खाते जाओ और वाह भाई आज तो मज़ा आ गया। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, साथ ही इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग और 1/2 चम्मच जीरा। और बस दोनों चीज़ों को पहले हम थोड़ा सा तड़कने देंगे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के थे, जिसे मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे हल्का सा इस तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देना है, और जैसे भी आपकी सब्ज़ी की क्वान्टिटी हो आप उस तरीके से इन्ग्रीडियंट को कम ज़्यादा कर लें। और मैंने यहाँ पर ये घर का बना हुआ गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सबको बताना चाहूँगी कि जब भी हम कुछ बना रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं, अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर बटर की बजाय देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर पर बनाया है, मुझे पता है कि ये शुद्ध है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जो कि खाने के स्वाद को और भी अच्छा कर देती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें 2 बड़े टमाटर कट करके डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और सब्जी में हम बाद में भी नमक यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और मैं इसे अब फिर से खोलकर इसमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, हम इसे चला लेंगे और हम यहाँ पर एक बार इसे फिर से ढक देंगे। कुछ ही टाइम में हम इसे फिर से खोलेंगे और चलाएँगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो कुक हो गई हैं। तो अभी हमारा प्रोसीजर आगे कुकिंग का और भी रहने वाला है, तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैश कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो अभी जो हमने सब्जियाँ यहाँ पर ये पकाई हैं, इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेंगे और हम इसकी एक अच्छी सी प्योरी बना लेंगे। साथ ही मैंने उसी कढ़ाई को फिर से गैस पर रख दिया है, और अभी मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है। साथ ही ये जो हमने ग्रेवी बनाई है, हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है, और अब मैं आगे का जो कुकिंग का प्रोसेस है सेम इसी कढ़ाई में कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई अभी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी ग्रेवी को यहाँ पर फिर से कुक करने वाले हैं। थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे और कभी भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप पहले से तैयारी कर लीजिए तो आपको बस 5 मिनट का ही टाइम लगेगा बनाने में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी फिर से डाल दिया है, और हम देसी घी को गर्म होने देंगे। इसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई है इसे हम इसी कढ़ाई में निकाल देंगे, और इस तरीके से प्यूरी बनाकर आप पनीर की सब्जी ट्राई कीजिए। बिलीव मी, आज मैंने ये बनाया था पनीर बटर मसाला, जो कि इतना टेस्टी था कि आप इसे खाने के बाद बता ही नहीं सकते कि ये घर पर बना था या फिर ये होटल से आया था। तो आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। तो अभी यहाँ पर हम इस मसाले को पकाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी की क्वांटिटी को देखते हुए, आप चाहें तो सब्ज़ी बनने पर भी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, इसलिए अभी यहाँ पर मैं थोड़ा ही नमक ऐड करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच ये मैंने गरम मसाला लिया है, ये भी मेरा घर का बना हुआ है। मोस्टली मसाले जितने होते हैं हल्दी मैं बाहर से लेती हूँ, बाद बाकी लाल मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, सौंफ का पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं घर पर ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर ये अभी मसाला हमारा थोड़ा सा प्रिपेयर होने में टाइम ले रहा है, तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से पकाने वाले हैं। तो अभी मसाला पकने को तैयार है, तो मैं यहाँ पर इसमें ये 1/2 बाउल ऐड कर रही हूँ मलाई, ये एकदम से फ्रेश मलाई है, और आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अमूल की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट जितना हो सके मैं
कोशिश करूँगी कि आप लोग घर के इंग्रेडिएंट से ही आप बहुत टेस्टी खाना बना पाएँ। तो मैंने यहाँ पर ये मलाई ऐड कर दी है और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा मलाई से घी अलग ना होने लगे। तो मैंने थोड़ी सी मलाई ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करनी है। और अभी यहाँ पर हम इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे और अभी यहाँ पर इस स्टेज पर ये हमारा मसाला बनके तैयार होने को है। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसको चलाते रहिए जिससे कि कढ़ाई में जले ना, क्योंकि ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है। और आप सबसे थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पे लाइट दिक्कत दे रही थी। और जो ग्राइंडर है उसी में मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी डाला और उसी ग्राइंडर को थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि उसमें ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, और मैंने इसी कढ़ाई में फिर से डाल दिया है। साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड और कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जब ये ग्रेवी रेडी हुई है कि इसमें नमक कम रहेगा। तो ये है पनीर, ये 350-350 ग्राम पनीर था, ये मैंने क्यूब शेप में कट किया हुआ था। बस हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर देंगे और हम लगभग 1 मिनट के लिए यहाँ पर पनीर को पकने देंगे जिससे कि जो मसाले का स्वाद है वो पनीर के अंदर भी आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रेवी है उसे मैंने बहुत पतला नहीं किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक है, एकदम से जमने वाली स्थिति पे, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जब भी खाते हैं तो कुछ थोड़ा सा रनिंग टाइप का ही होता है, मतलब बहुत पतला भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और मैं यहाँ पर इसे सर्व करने वाली हूँ। थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट भी करेंगे, तो कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। फटाफट से मैंने इसे इस कढ़ाई में निकाल लिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर्विंग का तरीका अगर आपका अच्छा है तब भी घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चे इस कढ़ाई को देख के सोच रहे थे कि मम्मा लग तो इसकी पैकेजिंग ऐसी रही है कि आपने इसको मार्केट से मंगाया है, तो मैंने ये घर पर ही बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है इसे मैंने बस कुछ ही मतलब प्याज को इस तरीके से कट करके एंड नींबू के साथ डेकोरेट किया था। जब कोई खाने की चीज़ हो और आप उसे इस तरीके से सर्व करते हैं तो और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। कैसी लगे आपको रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड गुड इवनिंग। आज है संडे का दिन और ये जो ब्लॉग था इसे मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाह रही थी लेकिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर आफ्टरनून में मैंने स्टार्ट किया तो आपके साथ यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की है। और आपको बता दूँ आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज की जो रेसिपी थी जो आफ्टरनून में मैंने पनीर बटर मसाला बनाया था जो कि घर के इंग्रेडिएंट के साथ, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया था जो कि हमारे पास घर में अवेलेबल ना हो, और सिर्फ घर के कुछ मसालों को यूज़ करके इतना अच्छा पनीर बटर मसाला बना था कि आज घर में सबने खूब जमकर तारीफ़ की और सबने बोला कि बिल्कुल होटल जैसा बना है। बाकी में मैंने मतलब मेरे लिए तो बहुत थोड़ा सा, सिर्फ 1 चम्मच मैंने टेस्ट के लिए बचाया, वो भी काव्या उसको भी खाई ले रही थी। उसने बोला कि मम्मा मुझे और चाहिए, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा मैं बस टेस्ट कर लूँगी, आप ले जाओ। तो मैंने मतलब मेरे लिए जो बचा था वो मैंने उसको दे दिया था और फिर मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट किया जो कि अमेजिंग, इतना अच्छा था ऐसा लगा कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के ही खा रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना। और आज संडे के दिन मैं बोलूँगी आज का है हमारा फूडी डे और आज बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग पूरे दिन मैंने सब कुछ बनाया है। सुबह मैंने नाश्ते में बच्चों के लिए फ्राइड इडली बनाई थी और मॉर्निंग में कोई क्लिप नहीं ली थी क्योंकि आज मॉर्निंग में मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी। पिछले काफ़ी दिन से मैं रेगुलर ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी एक तो वायरल इतना चला है कि कभी मतलब घर में किसी ना किसी को दिक्कत हो जाती है, तो किसी एक को कुछ होता है तो घर तो डिस्टर्ब होता ही होता है, इसी उसमें ब्लॉग छूट जाते हैं। और इसी वजह से मैंने मॉर्निंग में जो है वीडियो क्लिप कुछ नहीं ले पाई। फिर आफ्टरनून में जब लंच बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आज अच्छी सी रेसिपी बन रही है तो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो मैं अब इस टाइम बनाने जा रही हूँ पाव भाजी बच्चों के लिए। तो ये सब्जी है मेरी बॉईल हो रही है, मैं बॉईल करके क्विकली मतलब मेरा काम क्विकली रहता है तो मैं कुकर में सब्जी बॉईल कर रही हूँ। प्याज मैंने चॉपर से चॉप करके रख दिया है, इधर मेरा चॉपर वगैरह धुल के भी रख दिया है एंड पाव वगैरह सब मंगा के रख लिए हैं और अब मैं बनाऊँगी पाव भाजी।
और पाव भी आ चुके हैं। तो आज का दिन बच्चों के लिए मतलब बहुत इंजॉय भरा रहा। कभी कभी जैसे हर संडे को तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी हर संडे को जैसे इसी तरीके से हम लोग कुछ अच्छा सा बनाते हैं, जैसे बच्चों को इनको सबको बहुत अच्छा लगता है। पर आज इनको बटर पनीर मसाला तो मतलब बहुत बहुत पसंद आया, तो मैं सोचा चलो आपके साथ ये ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फटाफट से बनाएंगे पाव भाजी और मिलते हैं आप। कोई भी रेसिपी बनाने से पहले अगर आप उसकी प्रिपरेशन पहले से करके चलते हैं तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम ये तरीका मैं अपने ऊपर फॉलो करती हूँ। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं पहले सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और जब मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है तब भी मैं ये प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे कब मतलब कौन सी चीज़ पहले बनानी है, कौन सी बाद में बनानी है। साथ ही साथ क्लीनिंग भी घर की करती जाती हूँ, जिससे कि किचन भी मेरा अच्छे से क्लीन बना रहता है। और अभी शाम का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब पाव भाजी। और यहाँ पर ये मैंने ले लिया है देसी घी, तो मैं बटर का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, बटर यूज़ करूँगी लेकिन बाद में करूँगी। और जितना पॉसिबल हो सके मैं घर का ही शुद्ध देसी घी बच्चों के साथ मतलब खिलाने पिलाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये मैंने जो कुकर में सब्जियां बॉईल की थी उसकी स्टीम निकाल ली हूँ। थोड़ी सी जल्दी हो गई है क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मम्मा भूख लगी है। साथ ही आपको सब्जियां दिखा दूँ, इसमें मैंने मटर, टमाटर, कद्दू, भिंडी, लौकी एंड आलू, और इसमें यूज़ किया है शिमला मिर्च। ये बस सब्जियाँ हैं। और आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियाँ आप लोग वीडियोज़ में देखते हैं सेम वही सारी सब्जियाँ आप पाव भाजी बनाने में इस्तेमाल करें। तो सब्जियों को बस कट करके धुल के थोड़ा सा पानी और नमक डाल के हल्का सा हमें बॉईल कर लेना है। आप एक सीटी लगा दीजिए, इसके बाद आप बस किसी मैशर से मैश कर लीजिए। तो मैशर मुझे देख नहीं रहा था तो मैंने ये मथनी ले ली, ऐसी से मैश कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, तो जो मैंने प्याज जो है चॉपर से चॉप की थी, ये दो अनियन है तो चॉपर से ये बहुत बारीक चॉप हो जाती है। मैं मुझे मिक्सर में नहीं चलाना था, मिक्सर में तो बारीक पेस्ट बन जाता है, तो चॉपर में चॉप करके इस तरीके से हम यहाँ पर इसे देसी घी में ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। तो एक चम्मच मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला, साथ ही ये जो भाजी की सब्जियाँ हैं इसे मैं ऐसी कढ़ाई में निकाल लूँगी और यहाँ पर हम इसे चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड और करूँगी। और इसके साथ ही जो पाव भाजी मसाला होता है आप उसे ही बस यूज़ करें, क्योंकि जब भी हम पाव भाजी बनाते हैं तो अलग से हमें इन्ग्रीडियंट कुछ भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाव भाजी मसाला ही बस पाव भाजी बनाने में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मैंने भूनते समय डाला, मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मुझे सब्जी की शक्ल से ही पता लग जाता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो मसाला मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। साथ ही दो लेमन मैंने लिए हैं, नींबू को भी मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि पाव भाजी में खट्टी ना हो तो अच्छी नहीं लगेगी। और पाव भाजी बनाने के लिए बेसिकली आपके पास शिमला मिर्च, मटर एंड इसके साथ मैंने इसमें बैंगन भी ऐड किया है, शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया। और सर्दियों में पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, साथ ही बहुत जल्दी बन जाती है। और अभी यहाँ पर ये मैंने पाव ले लिए हैं, इन्हें भी इससे कट करूँगी और इन्हें बटर लगा कर सेक लूँगी। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप पाव भाजी बनाएं उसमें आलू, शिमला मिर्च, मटर एंड बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इनमें से अगर कोई सब्ज़ी आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर दें। साथ ही सर्दियों में गोभी बहुत आती है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी सब्जी आपके पास घर में अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पर बस क्विकली पाव भाजी हमारी बनके तैयार है। साथ ही मैं यहाँ पर ये अब बटर के साथ पाव को सेकने वाली हूँ। मुझे मतलब थोड़ा सा आप लोगों में से अगर किसी को लगे कि मैं बटर की जगह देसी घी इस्तेमाल करती हूँ तो आपको यहीं पर मैं रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आजकल हर चीज़ में तो मिलावट है, कुछ पता ही नहीं चलता है। सब्जियाँ ऐसी नहीं आती जैसी पहले स्वाद वाली होती थी। अब सब्जियों में किसी में टेस्ट नहीं होता, किसी मसाले में टेस्ट नहीं होता, और किसी भी चीज़ में ऐसा लगता ही नहीं है। पता नहीं अब आजकल ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं तो थोड़ा सा दिल में डर भी बढ़ने लगा है। तो ये लगता है कि जो भी चीज़ हो शुद्ध हो, तो जहाँ तक हो हम देसी घी वगैरह जो घर में बनाते हैं मुझे लगता है कि हाँ मुझे पता होता है कि ये अच्छा है तो हम उसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये हमारे पाव सिक गए हैं, तो मैंने एक प्लेट में ये पाव भाजी लगा दी है क्योंकि बच्चों को मेरे को बहुत जल्दी है। साथ ही मैं थोड़ा सा बटर भाजी के ऊपर भी डाल के दूंगी लोगों को, इसीलिए मैंने
पाव भाजी बनाते समय थोड़ा सा बटर कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं करना था। और कैसी लग रही है आपको पाव भाजी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप आप सबको भी बहुत अच्छी लग रही होगी, आप सबके भी मुँह में पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई करना। और संडे को अपने बच्चों को कुछ आप अच्छा नया इस तरीके से बना के खिला सकते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हे गाइस, अभी टाइम हो गया है, 8:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम इन टोटल फिनिश हो चुका है। तो बस दो चार बर्तन इधर जो दिख रहे हैं वो मैंने क्लीन किए हैं एंड किचन क्लीन कर दिया है। जो भी बर्तन थे वो मैं मॉर्निंग में आंटी को धोने के लिए आंगन में टब में करके रखती हूँ और रात में किचन में सिंक में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ये मैंने डिटेल में आपके साथ पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो मेरे यहाँ पे मतलब बर्तन झूठे नहीं रखे जाते हैं, रात को किचन को गंदा नहीं छोड़ा जाता है और जैसे जो भी क्लीनिंग वगैरह है हम रात को ही कर देते हैं। इसका वेट नहीं करती हूँ कि सुबह सुबह आंटी आएंगी। वैसे तो आंटी सुबह 8:30 बजे ही आ जाती है कि वही आके मेरे घर की क्लीनिंग करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कर देती हूँ, आंटी आ जाती है, तो आंटी सुबह को जब तक मैं बच्चों का लंच ही बना पाऊँगी, जैसे कि कल मंडे है तो बच्चों के जाने के बाद जैसे ही आंटी आएंगी वो एक बार तक क्लीनिंग कर देंगी, फिर आफ्टरनून में क्लीनिंग हो जाती है, फिर नाइट को मैं कर देती हूँ। और किचन क्लीन रहे तो बहुत अच्छा लगता है, देखो एकदम से मतलब बिल्कुल साफ साफ, जब तक सब कुछ अच्छे से वेल मेंटेन ना मिले अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कुछ क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और आपके साथ यहाँ पर मैंने पाव भाजी की रेसिपी शेयर की है। बहुत यम्मी पाव भाजी बनी थी और मेरे बच्चे आज एकदम खुशी से मतलब बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा बच्चे ही नहीं मतलब सबको, इनको सबको ही अच्छी लगती है घर में। और काव्या तो मतलब जब बच्चे हो कोई भी हो, ये हो हस्बैंड हो, मतलब कोई भी तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पाव सेक रही थी मेरे काव्या ने आके बोला वाओ मम्मा आज तो मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है बस खाते ही जाओ। तो ये चीज़ें मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट हैं, मतलब पनीर में आप अलग अलग डिशेस ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के पुलाव बना सकते हो, उनको पाव भाजी खिला सकते हो, तो इस तरीके से मतलब कुछ भी बना के खिला सकते हो और उन्हें इस तरीके का फूड बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट का कम मतलब मंगाऊँ। पहले की बात थोड़ी सी अलग थी कि जैसे हम लोग पहले जब दिल्ली में थे तो बहुत कुछ ऑर्डर होके आता रहता था, लेकिन यहाँ पे हम नहीं मंगाते हैं। और उसका रीज़न थोड़ा सा हेल्थ से इशू भी है कि पहले बच्चे मेरे इतने ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, सबको झेल लेते थे, और जब से मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मेरे बच्चे बहुत बहुत बीमार रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको ऐसी दिक्कतें आती रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटिव। तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है, बाहर से जो चीज़ आती है वो अच्छी है भी या नहीं, किस तरीके के वो लोग इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करते हैं, प्योर है या नहीं। तो दिल्ली में तो मतलब कुछ कोई मिल पाना इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होता है प्योर में। तो जैसे यहाँ दूध भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, घी मैं यहाँ पे अपने हाथ से ही बनाती हूँ और हर चीज़ अपनी शुद्ध होती है, सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी आती है। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ मैं घर पर ही बना के खिला पाऊँ और सभी लोग सजेस्ट भी करते हैं कि मार्केट से कम मंगा के आप अच्छे से अच्छी चीज़ें घर पे बना सकते हो। तो आज की जो ऑल जो रेसिपी है अच्छी रही है और घर में सबको बहुत पसंद आई है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में, वीडियो आप सबके साथ शेयर करने में जब तक ये वीडियो आपको मिलता है बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।